जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान धीरेंद्र त्रिपाठी का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। तिरंगे में लिपटे शहीद जवान धीरेंद्र त्रिपाठी के पार्थिव शरीर को लेकर आए सीआरपीएफ के जवानों और पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी दी। धीरेंद्र त्रिपाठी को अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। इस दौरान सभी भारत माता की जय, धीरेंद्र अमर रहे के जयकारे लगाते रहे। सीआरपीएफ जवान धीरेंद्र त्रिपाठी का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई हुई। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे। बलिदानी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान निधि और बलिदानी की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सोमवार को श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें एक धीरेंद्र त्रिपाठी एक थे। शहीद धीरेंद्र अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता रामकलेश त्रिपाठी भी सीआरपीएफ के जवान जो कि बालाघाट में पदस्थ हैं। न्यूज़ डेस्क।